आप लोगों के उंगलियों में जो नाखून से प्रारंभ होता है, भीतर खून है, और आपकी यदि मान लो चिकित्सा करना है, वैद्य लोग उंगली दिखाओ देखे तो सब उंगलियों को देख लेता है, किंतु उंगलियों में खून कितना है इसकी पहचान करना उसको आवश्यक है। तो फिर वह नाखून दिखाओ, जब नाखून दिखाता है ठीक है, खून की अति कमी है तो मरीज बोलता है नाखून ही बता रहा है कि मेरे पास खून नहीं है। नाखून ही बता रहा है मेरे पास खून नहीं है, और मुझे देख करके आप भीतर जो है खून के अनुमान कैसे कर रहे हो, हमारी चिकित्सा आप कैसे कर सकोगे। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, साहूकार वगैरह को सुख तो होता है, गरीबों को देखने से होता है। गरीबों को देखने से होता है, और गरीब क्या सोचता है, साहूकार के पास कितना दुख है ये मेरे सुख से अनुभव होता है। हम ही अच्छे हैं, बुंदेलखंड में ये लोग फ्राई करके बोलते हम ही अच्छे, हम अच्छे नहीं, ये हम जो कहता है वह साहूकार नहीं समझे, हम ही अच्छे ये साहूकार के लिए व्यंग है। बिल्कुल बड़ों के दुख बड़े समझे, साहूकार भले ही मान लेता है कि यह गरीब है बड़ा दुखी है, इसके लिए कुछ सहयोग देना चाहिए। अब सहयोग दे करके यदि हमारी बात सबके सामने रखोगे तो आपसे हम दूर रहना चाहते हैं। स्वावलंबन जीवन, सुखमय शांतमय स्वास्थ्य जीवन, बढ़तन बंदाग नंटर भागल शेर बार, क्या सुना। गरीब हो आप लोग, भाषा सीखो तो आनंद आएगा। महाराज जिसका क्या अर्थ होता है, शब्द सुन लिया अर्थ निकालो, क्या समझे, शब्द में अर्थ है, शब्द में अर्थ नहीं रहता महाराज, नहीं तो शास्त्र बोलने लग जाए अपने आप। सत्यम नानम न होती जम्मा, शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि सत्यम न ज्ञान ये किंची, शास्त्र कुछ भी नहीं जानता, जानन हारा कौन है। तो आचार्य कहते शब्द नहीं शास्त्र नहीं, किंतु आत्मा में अर्थ रहता है,
तो उससे ही उसे ज्ञान होता है। शब्द मित्र आवश्यक है। इसी प्रकार वेद कहते हैं, खून देखने के लिए नाखून देखना आवश्यक है। इसी प्रकार वक्ता भी सामने वाले को अज्ञानी नहीं कहता, किंतु किस पक्ष का उसे ज्ञान है ये देख लेता है, और जिस पक्ष का ज्ञान नहीं है उसको वह विवक्षित बना देता है और चालू कर देता है। आप लोगों के ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है, किंतु क्या कमी है उसको दूर करेंगे तो यह ज्ञान भी काम में आ सकता है, नहीं तो नहीं। हमें सीखना है, क्या सीखना, सीखना क्या है? सीखने के उपरांत भी शिकायत आती है। शिकायत का अर्थ क्या होता है? कमी का बोध। तुम्हारे तुमने हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, ठीक है। ग्रामीण भाषा में बोलते हैं, ये वो आ रहे थे, पढ़ा गिर गया। नहीं समझे। इसी प्रकार असली ज्ञान से आप बहुत दूर हो, उससे गिर चुके हो, इसलिए वो तो काम में नहीं आएगा। काम में आएगा तब वह, जब आपका आत्मतत्व सम्मुख हो जाता है अर्थ के, शब्द प्रत्यय, अर्थ प्रत्यय और ज्ञान प्रत्यय या भाव प्रत्यय। आचार्यों ने प्रत्यय बोध का नाम माना, और उसको तीन प्रकार का होना आवश्यक। आप सुन रहे हैं? हाँ। क्या सुन रहे हैं? शब्द सुन रहे हैं? उससे थोड़े से ऊपर उठ जाओ। हाउ तो कहो, हाउ। शब्द जो सुन रहे हैं उससे ऊपर उठ जाओ, नीचे शब्द है और ऊपर भगवान, भगवान नीचे नहीं है। आत्मा में शब्द में है क्या? आत्मा में यानी शब्दों में है, या आत्मा में अर्थ छुपा सो सोचता कौन है? हाँ, शब्द में अर्थ छुपा हुआ है क्या आत्मा में? सोचता कौन है? जानने का अर्थ जानना नहीं, सोचने का अर्थ ज्ञान है। और सोचने में भी सही दिशा में सोचना सुज्ञान है। नाखून में खून कम है, खून कम है, अरे खून है ही नहीं कहो उसमें। उसी प्रकार जब तक आप में सही पहचान नहीं होते अर्थ की या ज्ञान भाव प्रत्यय की, तब आपके पास हमारा तो पिटारा ज्ञान का पिटारा है, आत्मतत्व पिटाई हो रही है अभी, और पिटारा कह रहा है क्या? एक दूसरे से व्यक्ति तुलना करके सोचता हम ही अच्छे हैं,
भगवान से सब कोई भी अच्छा नहीं है। और भगवान कहते हैं कि हम अच्छे हैं और हम सच्चे हैं। सोचता कौन है? महावीर भगवान साक्षात यहाँ पर आ जाए, पहचान नहीं हो सकेगी आपको, नाखून ही देखते रहोगे, शास्त्र देखते रहोगे। शास्त्र में प्रश्न पर क्या लिखा, देखो भगवान के बारे में क्या लिखा, अरे भगवान ने लिखा ये नहीं कह रहा। शास्त्र में क्या लिखा भगवान के बारे में, ये भगवान तो खड़े हैं, ये तो हम देख रहे हैं, शास्त्र मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो हमारे ऐसे भगवान बहुत सारे आते हैं जाते हैं। साक्षात भाई महावीर भगवान को कोई नहीं पहचान पाता, राग की दृष्टि से वीतरागता का दर्शन बहुत दुर्लभ है। ये बात अवश्य है, वीतरागी को समझने के लिए वीतरागता ही अनिवार्य है, ऐसा कोई नहीं। राग की दृष्टि हट गई या पदार्थ जो विषय है वह अपने दृष्टि में गौण हो जाए तो असलियत का बोध हमें होने में देर नहीं लगेगा। सौटंज सोना यदि हाथ में है तो सुनार की क्या आवश्यकता, पाषाण में जब हुआ खंड रहता है, ये सोना है तो दो लोग कहते ये तो पत्थर है, अरे पत्थर की दृष्टि को हटा दे अब तो कैसे हटे सोनार बनने सुनार बनाने में, नहीं सुनान की बात के ऊपर विश्वास कर। सुनार ने भी पत्थर के माध्यम से देखा उसको, लेकिन देखा कितना ही नहीं, उस पत्थर को उठा करके हमारे हाथ की ओर देख रहे हैं, आओ अब इसमें कैसे क्या तोल रहा है, तराजू है क्या, नहीं तो क्या दिखा रहा है वो तराजू, यूं यूं करके क्या दिख रहा, उसका भार देख रहा है, ये कितना भार वाला है, एक किलो या आधा किलो या पाव किलो, इसमें सोना कितना है, उस सुनार को पूछो तो बता देगा, एक एक गुंजा तक बता देगा। उसकी दृष्टि में वह तोल आ गया, उस तोल के साथ मोल आ गया, और इससे माध्यम से तीसरे चरण में अनमोल का दर्शन हो जाता है। ये तातोल क्या है, मोल क्या है, अनमोल क्या है, अनमोल का अर्थ मूलहीन, ये लगा दे रहे हो शब्द अर्थ, अब इसको क्या समझाए, ये तो अनमोल है, अब ये एक ये महाराज अनमोल है, ये तो अनमोल है, न मोल है अनमोल है, मूल्यहीन है, हाँ बिल्कुल। महावीर भगवान का भी मूल्य नहीं, इसलिए अनर्घ पद पापता है अर्घम निरुपामी। आप लोग पूजन करते हैं बहुत अर्थ अच्छे अच्छे निकल जाते, आपके पास हो या ना हो खूब भक्ति के साथ बोलते रहते हो, लेकिन अर्थ की वो तो देखो तो अनमोल का अर्थ क्या होता है, अनर्घ का अर्थ होता है अर्घ नहीं, अर्घ में नहीं मूल होता है, बिल्कुल उसका मूल्य क्या है ये बताने वाला संसार में कोई भी नहीं है।
इसलिए शब्द की ओर देखो तो सही, लेकिन कानों से सुनो। अब कानों में सुनने वाला कौन होते? कानों से सुनने वाला असंगी पंचेंद्र भी होता है। आप असंगी है कि संगी? संगी। अच्छा, ऐसे टोन के साथ क्यों बोल रहे हो? सामने वाला व्यक्ति आपके टोन को समझेगा नहीं, क्योंकि वो असंगी है और आप संगी हो। इसलिए आपका ज्ञान का मूल्य पढ़ा लिखा सीखा हुआ नहीं कर सकता, इसलिए उस सभा में उसको दिखाओ नहीं। बाइबल कर दले रूपल वस्तुवत और भारत, हमारा ये और दूसरी पंक्ति आपने कह दी, पहले तो थी उसका अर्थ ही नहीं मालूम पड़ा। इसमें क्या लिखा, उसका क्या अर्थ था? उसका अर्थ ये था, गरीबी की दशा में कभी भी स्वास्थ्य पलों को छोड़ करके पर के सामने कछु मिल जाए। क्योंकि वह आपको और गरीब बना देगा, आपके जीवन में चुभन और होगा। सही समय पर आ गए, नहीं तो गति आपकी गति बहुत खराब थी, ले लो एहसान मान लेना। ये मान कौन सा, एहसान क्या होता है? वो कहता है एहसान क्या होता है, आपको बचा दिया ये एहसान है, हमें नहीं चाहिए, मर जाऊंगा तो भगवान के पास जाऊंगा। नहीं समझे? हाँ, ये विश्वास होना चाहिए। इसलिए पहले के लोग मरण से नहीं डरते थे, किंतु कर्ज से डरते थे। इसलिए आज पढ़े लिखे होकर के लोन लेते जा रहे हो। तुम्हारी बीमारी को कौन ठीक करेगा बताओ? नेंटर वागेलेनस, मेहमानों के यहाँ भूल करके मत जाओ, वहाँ पर इज्जत लुट जाएगी। हाँ, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो इन दिनों? वो कहता है आप उसके स्वाद नहीं जानते, वो खा रहे हो। वो सोचता है कौन से स्वादिष्ट है, कौन से स्वादिष्ट है, बताओ हमारे लिए भी। आप उसका स्वाद ले ही नहीं सकते, इसलिए हम आपको वह नहीं बताना चाहते। धीरे से बोलो, हम किसी के सामने नहीं रखते, गम खा रहे हैं। गम खा रहे, हम नहीं खा रहे उसको, आप उसको अनमोल है, बिल्कुल अनमोल है। आप तो मोल खाते हो, लोन लेकर के खाते हो। हमारा जो गम है वह स्वतः का है, जो स्वतः में जो स्वाद आता है, दुनिया में कहीं भी स्वाद आता नहीं। खाना चाहो आप भी। गम का अर्थ क्या होता है? 22 परिचय, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, वैरायटी, विविधता, हर एक समय पर पलटता रहता है। असंख्यात गुणी निर्जरा, और निर्जरा के बिना जन्म जरा मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती।
इसलिए शब्दों में है क्या या आत्मा में है अर्थ छुपा, सो सोचता कौन है। तो केवल अर्थ को सोच करके अर्थ का संपादन करने वाला अर्हत परमेश्वरी अर्थ का संपादक होते हैं और गंधर्व परमेश्वरी उनके उपासक है। शब्दों का चयन करके हमारे सामने रखते हैं, किंतु सोच विचार के बिना गंधर्व परमेश्वरी को भी संतुष्ट नहीं होंगे वो, क्योंकि आप लोग अर्थ की ओर देख नहीं रहे हो। क्या हो शब्द क्या हुआ ऐसा नहीं कहते, अर्थ क्या हुआ समझ लो, जीवन व्यर्थ चला गया, जीवन व्यर्थ चला गया। यहाँ पर भी अर्थ का अभाव बोध होता है और व्यर्थ के बाद अर्थहीन हो गया। ये क्या ये भी उसी का अर्थ बताने वाला, अनर्थ हो गया, पाप आ गया पल्ले में। अब ये बताओ सही अर्थ क्या है। तो आचार्य कहते हैं अर्थ पुरुषार्थी जानेगा, अर्थ को तो जानेगा वह उसका अर्थ समझ में उसको नहीं आएगा। संगी भी शब्द सुन रहा है बंधु, किंतु अर्थ का बोध उसे नहीं होगा। और अर्थ का बोध हो गया लेकिन परमार्थ का भाव प्रत्यय नहीं हुआ। तो अभी अभी आ रहे थे चर्चा के दौरान नियम सार में आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा है, मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापनादि तपना, तन को सुखाना, सिद्धांत का मनन मौन तथा निभाना, ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम निभाना। ये साम कौन से शिखर पर है आप समझो, समता या भाव साम्यम। इसलिए आप लोग अर्थ तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि वह समझाने की बात नहीं। भगवान कहते हैं आप समझे आ गया, ऐसे नहीं पूछते। गुरु बहुत अच्छे हैं, आओ नहीं समझे। इसलिए हमारे यहाँ आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी ही खोल करके बताने वाले हैं, नहीं तो भगवान के समोसरण में भी कोई भी कली कली खोल खोल करके गंधर्व परमेष्ठी को इसलिए रख रखा है। एक तीर्थंकर होते हैं संख्यात गंधर्व परमेष्ठी, संख्यात कहाँ महाराज जी, फिर किनके बताओ हमारे नहीं है तो संख्या में आते वो गंधर्व परमेष्ठी संख्यात होते हैं। और संख्यात कहाँ तक होते हैं, जो आप बैठे हैं सुन सके, एक के बाद मानो उम्र कौ चली गई पूर्ण हो गई, तो एक दूसरा एक और नीलांजना होता है ना, एक और नीलांजना भगवान जो है बैठे हैं देखने के लिए, नृत्य देखने के लिए। और एक अंजना नीलांजन की मौत हुई मृत्यु हो गई, एक दूसरा खिसका देता वो इंद्र। इसी प्रकार समोसरण में भी मान लो जिसका अंत होने वाला है और पूर्व कोटि आयु वाले तीर्थंकर है मान लो, तो अनेक वहाँ पर गंधर्व परमेष्ठी हो सकते हैं और वो आपके ऊपर दया करके
एक एक कली कली एक एक शब्द में से अर्थ देते हैं। वो दांत वाला एकदम गन्ना खा लेगा, लेकिन जो 5-6 महीने का 1-2 साल का बच्चा है तो उसके लिए क्या बनाई देते। हाँ, वो कौन बना करके माँ ही देगी, वो स्वयं भी 1-2 खा लेगी और उसको 4-5 खिला देगी, बाकी पिटा पिटा वो खूब लगे हुए हैं, दांत टूट भी जाए तो भी खा रहे हैं। बच्चे की ओर कोई भी नहीं देख रहा। गंधर्व परमिष्टि को बार बार नमस्कार करता हूँ। आचार परमिष्टि है गंधर्व परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि है गंधर्व परमिष्टि, साधु परमिष्टि है गंधर्व परमिष्टि। इसलिए भगवान के पास ही वो बैठे रहते, जाओ वहाँ पर बैठना, कसम को सकजा समोसर में ऐसे कर लो, घुसपैठ के द्वारा घुसना तो घुस सकते। हमारे चौके में तो कई लोग, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जो घुस करके लोग, महाराज इन्होंने तो हमारे लिए घुसने नहीं दिया, हमारी ओर देखते तो हम ही बुला देते, तुम घुसने के लिए आए हो। इसलिए जब तक हम उस व्यक्ति श्रावक ने पड़गा लिया है तो उसका भी तो रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो आप मानते ही नहीं, घुस जा तो अब घुसना नहीं और गुस्सा नहीं करना। आपके घुसपैठ को देख करके हमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन कर नहीं सकता, ये बात, ये हमारी कमजोरी है। आपका, आप लोगों का घुसपैठ इतना तेज रहता है, चौके वाले जो मालिक है वही रह जाता है कई बार, समझे, कितना संतोष प्राणी। वो कहता है भैया इतने घसपुट हो रहा है, कौन जानता है, ये मेरा चौका रहता था, बिल्कुल निरंतर होना चाहिए कहीं भी हो। धन्य है, इसको बोलते हैं बिन सामी वाला। ग्रस्त के पास भी क्षमता बहुत रहती है, इसलिए आप श्रावक बने हो बहुत अच्छा है, और श्रवण बनने के लिए अभी बहुत अंतराल है, ये अंतराल को आपको ही दूर करना है। हमारे पास एक क्षमता नहीं, भगवान के पास भी एक क्षमता नहीं, क्योंकि नाखून में खून है ही नहीं। अब तो इसका नंबर आने वाला है, क्या कह रहे हैं, खून है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, इसलिए इसका नंबर काय के लिए, पुनर्जन्म के लिए, मरण कहने से आप लगे अब शकुन हो जाए, इसलिए पुनर्जन्म ने मरे बिना जन्म ही नहीं होता, इसलिए आपके पास बुद्धि उतनी तो होना चाहिए जितनी हम पहचान सके। आपके वह पहचान हम उस नाखून के माध्यम से नहीं, खून के माध्यम से देखते हैं। और भी कई साधन हैं, आप कषाय करते हैं तो उसके ऊपर भी आपकी पहचान हो जाती है, कितनी करना आवश्यक है कितनी नहीं करना आवश्यक है, ये सारा सारा आप लोगों के ऊपर आधारित है। इसलिए ये नियम सार की गाथा सभी लोगों के लिए उपयुक्त है, जानने योग्य है, क्या करने योग्य है वह ढूंढना पहचानना और उसको जीवन विस्तार देना बहुत कठिन है। सुनार बनिए तभी इसमें कितना सोना है तोल के रूप में आपको ज्ञात हो जाएगा। जल्दी जल्दी हमें भी पूर्ण हो जाए, आप लोगों की अब चिंता ज़्यादा करना भी ठीक नहीं है। माता पिता यदि बच्चे की चिंता करते हैं,
कथनचित ठीक है और कथनचित नहीं करते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि आजकल के बच्चे उद्दंड होते। हमने कहा भैया कोई बात नहीं, उद्दंड हो जा, लेकिन गन्ने के डंडे के समान तो हो जा। गन्ने के डंडा वो दंड होता है, लेकिन कम से कम मिठास तो होता है। दांत भले तोड़ दे लेकिन मुंह मीठा बना देता है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी भी, उपाध्याय परमेष्ठी भी, साधु परमेष्ठी भी हमें ऐसे डंडा दिखा देते सीधा हो जाए हम। लेकिन सीधा होने के उपरांत भी स्वभाव होता है, तो आप क्या करें? वो ये डंडा सीधा नहीं होता, इसलिए अपना कार्य करना ही ठीक है। माता पिता अपने काम में लग जाते हैं, आप लोगों खेल कूद के प्रति उनका कोई भी आकर्षण नहीं रहता है। इस प्रकार समय दे करके हम लोगों को कृतकृत किया है, उपकृत किया है, ऐसे को याद करके हमें अपने कर्तव्य का पालन कर लेना चाहिए। अर्थ के ऊपर कोई भी अभिमान नहीं करता, शब्द के ऊपर ही अभिमान करता है। और मान लो अर्थ के ऊपर भी अभिमान करता है, हमने ये शब्द का अर्थ निकाला तो भी उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि अर्थ के बाद परमार्थ जो आता है वह मानातीत हुआ करता है। अहिंसा परमो धर्म की